हेलो तुम्हारा कत्ता बोले नहीं भैया ऐसा कभी हुआ क्या इससे पहले हमने देखा है कि माइनॉरिटीज से मुराद मुस्लिम कयादत यानी कि लीडर के अंडर भी वह बोर्ड हुआ करता था, अब वो नहीं रहे। जैसा शशि कोल्ला जोले मैडम है, आपने तो तारीफ़ की उनकी, लेकिन जैसा एक बीजेपी का एक पार्टी लाइन कहते हैं एक एंटी मुस्लिम, तो ऐसे इसमें कितनी गुंजाइश हो सकती कि कम्युनिटी के काम को हम अंजाम दे सकें? देखो मैं मुसलमान हूँ और मुझे मेरे कौम की फिक्र है, हालांकि मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस मैं आइडेंटिफाई मेरे कौम से करता हूँ। उसी तरह से जिस मिनिस्ट्री को जो मिनिस्ट्री दिया गया है, जैसे शशिकला मैडम को हो, तो उनका फर्स्ट प्रेफरेंस मुस्लिम डेवलपमेंट है, तो माइनॉरिटी डेवलपमेंट करते ही हैं। अब ऐसे उठा के निकाल के देखिए कि उनका डेवलपमेंट अभी तक का प्रोसीजर कितना है। वो लोग बहुत अच्छा माशाल्लाह कर रहे हैं, हम लोगों को उनके पास पहुँचना है बस। आज करीब 2 साल के तो सर फाइट के बाद में जो कामयाबी मिली है उसके लिए बहुत खुश हूँ मैं, और इस लड़ाई के चेहरे पर नजर भी आ रहा है। इस लड़ाई में मेरे साथ चंद मेरे साथियाँ भी थे, तो आज मेरे साथ नहीं है, जरा दिल में गम भी वो बहुत खटक रही है, मैं बोल नहीं सकता हूँ, बट सच्चाई के साथ हमेशा अल्लाह साथ देते हैं करके बोले वो इरादे से, और पहले से तो अल्लाह के ऊपर बहुत यकीन था और अभी दुगना और बढ़ गया है। ऐसा कोई बंदा नहीं है कि जो यकीन नहीं रख सकता, बट मेरा कुछ अलग ही हो गया है इस बार बताता हूँ, क्योंकि एक टाइम आ गया था कि जहाँ पे ना उम्मीदी छा रही थी, बट मेरे पार्टी के लोग और हमारे लोकल MLA अनिल बेन के सर का मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और माइनॉरिटी मिनिस्टर शशिकला जोले मैडम का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और बहुत सारे सुरेश अंगड़ी सर इस सब्जेक्ट में मुझे रेलवे डिपार्टमेंट के लिए कौन से तो पोस्ट देने के लिए तैयार थे, बट मेरे तरफ से चॉइस किया कि मैं अपने गांव अपने जो शहर में जहाँ के हालात कुछ वीक हैं, जहाँ पर मैं कुछ रॉन्गली काम कर सकता हूँ, उस इरादे के साथ मैं आया हूँ। मैं सब यंग यूथ के लिए यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वफ प्रॉपर्टी बचाए, वफ के साथ जुड़े। वफ का जो सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट है, ये किसी को मालूम नहीं है, बड़े से बड़े लोगों को भी वफ का वहाँ पे। और मैं लास्ट टाइम बताया था जब हम अहदे पे नहीं थे बट हमारी सरकार थी,
तभी भी 128 इमामों के 4.5 साल से अटकी हुई तनख्वाह को हम लोग उनके मदद से हम लोग करवा दिए। और आप चाहे तो देख सकते हैं बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के लिए बेलगाम मिनिस्टर होने के बाद बहुत सारे फंड्स हम लोग लेकर भी आए हैं, चिकोड़ी क्षेत्र भी हो या बेलगाम के लिए भी अभी कर रहे हैं। इरादा बहुत नेक है, लोगों की ज़रूरत है, पढ़े लिखे लोग वक्फ के लिए ज़रा ज़्यादा तवज्जो देंगे, बहुत हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा है वक्फ में। इमामों की तनख्वाह के अलावा आपके सामने इश्यूज क्या हैं फिलहाल? देखो इश्यूज से ज़्यादा मैं फिलहाल में मेरा एक ही मोटो है कि मैं डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा तवज्जो दूँ, कि इशू गए 25 साल से या 50 साल से अभी है वो सॉल्व कर नहीं पाए, बट उसके लिए बहुत अच्छी लीगल ओपिनियन टीम है वक्फ बोर्ड की, हमारे पास हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन टीम है, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। किस मेंबरान की जो टीम बनी है उनको लेकर कितनी उम्मीद है किनकी? अभी जो आपकी 21 मेंबरान की जो टीम बनी है, 21 मेंबरान की टीम के अंदर करीबन हम लोगों के कितने 12 हैं, बाकी के जो बाकी हम लोगों के मतलब आपके पार्टी से, मेरे पार्टी से मतलब हम लोग एक पार्टी से करके ने हर एक जगह से हम लोग चुने हुए हैं। सोच हम बेलगाम से ही सभी लोगों को अगर लेते तो आजू बाजू जो भी खेड़े हैं वहाँ के इश्यूज कौन सब्जेक्ट करेंगे? जैसे हम लोग सोच के एक यंग जो टीम का है जैसे हमारे सिराजुद्दीन साहब है, जावेद भाई है, हम लोग क्या सोच के उस खेत से सौदत्ती से एक दो लोगों को लिए, खानापुर से हम लोग लिए हैं, वहाँ के सब इश्यूज के लिए हम लोग घूम नहीं सकते। लोकल जो भी है से भी है वहाँ के इश्यूज के ऊपर हम लोग वर्क करेंगे। सबसे मेरा सबसे मेन मोटो डेवलपमेंट के लिए है। और एक नई गाइडलाइंस और एक नया कानून आया है कि जो मेम्बरान बने हैं वो चाहे शहर की जामे मस्जिद में इमाम साहब जो है उनके हलफ दिलाएंगे। जो मेम्बरान एडवाइजरी में बने हैं मुझे गुजारिश है कि वो आगे आ जाए। और गैर जानबदारी के साथ
मजहबी फरीसा समझते हुए निभाऊंगा। दो चलो अच्छा